हाँ जी दोस्तों, आज इस लेसन में राग भैरवी पर आधारित एक बहुत ही फेमस गाने का म्यूज़िक पार्ट सीखेंगे। जिंदगी प्यार का गीत है, बहुत ही हिट गाना रहा है अपने टाइम में ये। तो आज मैं आपको इस गाने का म्यूज़िक पार्ट, स्टार्टिंग म्यूज़िक पार्ट सिखाऊंगा। और आप एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, आप इस गाने के म्यूज़िक पार्ट को किसी भी गाने, जो भी गाना आपका राग भैरवी पर आधारित है, आप उस गाने में इस म्यूज़िक पार्ट को बजा पाएंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है आपको इस गाने के म्यूज़िक पार्ट सीखने को, फ़ायदा क्या मिलेगा, आपकी जो फिंगर्स है वो बहुत अच्छी हो जाएंगे। आप अगर आप सोचते हैं कि आपकी फिंगर्स इतनी फास्ट नहीं है, आपकी कोई भी म्यूज़िक पार्ट जब आप बजाते तो आपकी उंगलियाँ अटकती हैं, तो इस म्यूज़िक पार्ट को सीखने के बाद आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आप इस म्यूज़िक पार्ट को अलग अलग स्केल से बजाइएगा, हालांकि मैं आपको एक पर्टिकुलर स्केल से बजाना सिखा रहा हूँ। सीखने के बाद आप इसको अलग अलग स्केल से बजाइएगा, जिससे आपकी फिंगर्स की जो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी, और आप इसको ताल कहरवा के साथ बजा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूज़िक पार्ट को सीखना। बताना चाहूँ, राग भैरवी के ऊपर आधारित है ये गाना। तो चलिए इस म्यूज़िक पार्ट को देखते हैं, शुरू करेंगे यहाँ से। मैं पहली लाइन बजा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सरगम नहीं बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं पहली लाइन कैसे बजाना है। शुरू करेंगे यहाँ से, ये आपकी पहली लाइन। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, सरगम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सरगम देख के तो हर कोई बजा लेगा, है ना, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो तो एक तरीके का रट्टा हो गया, है ना। कोशिश करिए कि जो सामने वाला बजा रहा है उस म्यूजिक को अपने दिमाग में उतारिए और उसको खुद कॉपी करके बजाने की कोशिश करिए। वो चीज होती है जिससे आप जल्दी सीख जाते हैं, जिससे आपको स्वर ज्ञान होता है ना। सरगम देख के बजाएंगे वो तो एक तरीके का रट्टा होगा, उसमें आपका क्या एफर्ट लग रहा है आप ये देखिए। उसमें अगर आपका कोई एफर्ट नहीं लग रहा तो डेट मीन्स उस चीज़ को सीखने में आपका कोई फायदा नहीं। जिस चीज़ में आपका एफर्ट लग रहा है, आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, आपकी सेंस यूज़ हो रही है, वही चीज़ आपको फायदा देगी, वही चीज़ आपको हारमोनियम सीखने में जल्दी हेल्प करेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस म्यूज़िक पार्ट को देखते हैं एक दफ़ा फिर से। मैं पहली लाइन बजाने जा रहा हूँ, कैसे होगी शुरू देखिए। ये आपकी पहली लाइन, थोड़ा और स्लो करते हैं इसको, देखिए। सिंपल। अभी ये एक मैंने नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल स्लो में आपको बजा के देखा, बट जो इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी आपको इस तरीके से बजाना है। क्लियर, ये आपकी पहली लाइन थी। अभी दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी लाइन शुरू होगी यहां से। दोबारा देखिए दूसरी लाइन कैसे है। और एक चीज मैं और बता दूं, मैंने यहां पे ओरिजिनल को नहीं कॉपी किया, ओरिजिनल के जैसा मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल नहीं मैं कॉपी कर रहा, क्योंकि देखो मैं अपनी सेंस के अकॉर्डिंगली उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ, है ना। मैं ओरिजिनल को कॉपी नहीं कर रहा, अक्सर लोग कमेंट करके बोलते कि सर आपने ओरिजिनल नहीं बजाया, है ना, आपने ये गलती करी इसमें बजाने, ये चीज़ मैं अपनी सेंस के अकॉर्डिंगली बजा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी दोनों लाइन एक साथ बैक टू बैक बजाते, कैसे बजेंगे देखिए। इस तरीके से आपको ये पहली दो लाइन बजानी है। तो चलिए अभी उसके बाद जो तीसरी लाइन है, ये आपको दो दो बार बजानी है, जो पार्ट जो मैंने आपको बजा के दिखाया ये दो बार बजाना। उसके बाद जो नेक्स्ट म्यूजिक पार्ट है वो आप देखिए कैसे शुरू होगा यहाँ से। ये इस तरीके से बजेगा, अभी इसको स्लो में देखते कैसे है। ये मतलब कि इफेक्ट के साथ है, कैसे है, स्लो में देखते हैं। ठीक है जी, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई गाने की। अभी उसके बाद चौथी लाइन देखिए यहां से शुरू होगी। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से बनाई है, देखिए कैसे बजाना है। फिर से देखिए चौथी लाइन,
बजाने के बाद उसके बाद आपकी पांचवी लाइन देखिए, पांचवी और आखिरी लाइन, उसको कैसे बजाना है, यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद आपका गाना शुरू हो जाएगा। अभी इस आखिरी लाइन को स्लो में देखते कैसे करना है, दो बार करना है, फिर उसके बाद दो बार करना है, फिर दो बार, उसके बाद ये लाइन भी आपको दो बार बजानी है। तो ये आपका पूरा म्यूजिक पार्ट है। अभी इस पूरे म्यूजिक पार्ट को मैं शुरू से स्लो स्लो आपको बजा के दिखाता हूँ। देखिए, इसके बाद आपका गाना शुरू हो जाता है। तो इस म्यूजिक पार्ट को आप तैयार करिए, जिस स्पीड में मैंने बताया आप स्पीड में कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि आप इसको थोड़ा और फास्ट करिए, है ना, थोड़ा और फास्ट बोले तो इससे क्या होगा, आपकी फिंगर्स बहुत अच्छी होगी फास्ट होने में, आपको फिंगर्स को फास्ट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ है, आप इसको हर एक स्केल से बजाइए। हर एक स्केल से बजाने से क्या होगा, आपकी जो सेंस है वो बहुत अच्छी होगी, स्वरों को पहचान करने की आपकी जो सेंस है वो अच्छी होगी, स्वर ज्ञान होगा आपको, प्लस आपकी जो कोई भी जो चीज़ है, कोई भी म्यूजिक पार्ट आप ढूंढते हो तो आपको उसमें जल्दी ढूंढने में हेल्प मिलेगी, आप उसको जल्दी ढूंढ पाएंगे अगर आप हर एक चीज़ को अलग अलग स्केल से बजाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।